हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका वुगली लाइव ट्यूब क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास के अंदर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बाय यूजिंग द ऑक्सीजन टेंट। दोस्तों, एक बार जोरदार जोर शोर से आप बोलिएगा हर हर बुगली, घर घर बुगली। और यदि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वुगली चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिनको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं वो बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशंस एक्टिवेट करिए। दोस्तों, जिन्होंने वुगली ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है वो वुगली ऐप डाउनलोड करिए, और जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है बट वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं स्किल टेस्ट प्रॉपरली, डेली एक टेस्ट अपडेट होता है वुगली ऐप के अंदर, तो वो प्लीज टेस्ट देना भी शुरू करें। बिकॉज जब तक आप पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉपर उस लेक्चर का, सुपर लेक्चर का बेनिफिट नहीं प्राप्त होगा। तो आप टेस्ट भी दें साथ के साथ ही, जो वुगली ऐप पर आपको मिल रहे हैं वो ऐप डाउनलोड करके और उसमें टेस्ट सेक्शन में जा करके, और आपको जो वुगली स्टार बैच के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है तो वुगली स्टार बैच में ही जब आप ओपन करके देखोगे तो आपको एक इस तरह का टेस्ट मिलेगा। अगर आपको दिखाई दे तो आपकी ऐप के अंदर मैं अभी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, 2-5 मिनट का समय लगेगा। जब आप अपना बैच ओपन करोगे तो वुगली स्टार बैच ओपन हो जाएगा। वुगली स्टार बैच को जैसे ही ऊपर की टैब में आप मूव करवाओगे तो ये 4 टेस्ट इसमें अवेलेबल है। देखिए आप, ये टेस्ट अवेलेबल है। टेस्ट में जैसे ही आप टेस्ट ओपन करोगे तो आपके पास टेस्ट ओपन हो जाएगा। और हमारी तरफ से तो पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको कोई भी फैसिलिटी जो एमसीआई करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल रही है, अगर वो फैसिलिटी आपको यूज करना नहीं आ रहा है तो प्लीज आप सीखिएगा कि कैसे उस फैसिलिटी को, उस सर्विसेज को यूज किया जाता है। चाहे इवन वो वुगली की यूट्यूब क्लासेस हैं, या फिर वो नर्सेज वर्ल्ड की जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज हैं, या फिर वुगली ऐप के ऊपर जो आपको क्लासेस मिल रही हैं वो क्यों ना हो। तो कोई भी फैसिलिटी जो एमसीआई करियर इंस्टीट्यूट पूरे पैन इंडिया के स्टूडेंट्स को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फैसिलिटीज आपको कैसे यूज करना है ये आपको डिसाइड करना है। आप यूज करके अपने आप को कितना आगे बढ़ाना चाहते हो ये आपको आपको डिसाइड करना है। हम तो हमारा फर्ज होता है, हमारा कर्म है केवल मात्र, देखो मैं नर्सिंग प्रोफेशन के लिए इतना ही कर सकता हूँ कि आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, बट उसको यूज कैसे करना है और करना भी है या नहीं करना है ये आप ही को डिसाइड करना है, राइट? क्योंकि देखो, नौकरी लगनी है, आपको लगनी है, जीवन भर सैलरी कमाओगे तो आप कमाओगे, मुझे तो ला करके आप देंगे नहीं महीने टू महीने कि सर हाँ सर ये लो हम आपकी वजह से जॉब लग गए तो हमारी जो फर्स्ट 2 मंथ की सैलरी है ये सर आपके वुगली स्टूडियो को हम डोनेट करेंगे। इवन ऐसा तो आप में से कोई करने वाला है नहीं। तो देखिए, मैं तो ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता भी नहीं हूँ और मैं निस्वार्थ काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं जितनी फैसिलिटी, जितनी सर्विसेज आज नर्सिंग प्रोफेशन को दे रहा हूँ वो अविश्वसनीय है। कोई भी हो, हर कंटेंट के अंदर एक क्वालिटी मेंटेन की जाती है क्योंकि हमारे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और यदि अगर हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी। तो एमसीआई का मतलब ही यही होता है कि या तो एमसीआई कोई शुरू ही नहीं करेगा कोई स्कीम, और यदि अगर एक बार हमने स्टार्ट किया है तो समझ जाएं कि वो कितना क्वालिटी वाला कंटेंट होता है। तो दोस्तों, एमसीआई का मतलब ही यही है कि हम या तो कुछ प्रोवाइड करेंगे नहीं, और करेंगे तो फिर वो बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट होता है, चाहे वो हमारा स्किल टेस्ट जो अभी हमने स्टार्ट कर रखा है, चाहे वो नर्सेज वर्ल्ड की जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, या फिर हमारे वीडियो लेक्चर्स जो आप वुगली पर देख रहे हैं, या फिर आपने वुगली ऐप में कोई कोर्स सब्सक्राइब कर रखा है वो वाला, या वुगली ऐप में आपने मॉड्यूल्स जो हमने अवेलेबल करवाए हैं वो परचेज कर रखे हों, तो मॉड्यूल्स के अंदर जो भी 1,700-1,500 क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज जो मॉड्यूल के अंदर मिल रही है, जो एमसीआई की बुकलेट्स में आपको मिल रहा है, चाहे आपने वो माइनर कॉस्ट पर अवेलेबल है 200-300 रुपए में, चाहे आपने वो परचेज कर रखा हो, तो उसका एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है
और हमने एक और बात साबित करी है, कई बार साबित की है कि हमारे कंटेंट के बाहर आज तक कोई एग्जाम नहीं गया है और ना फ्यूचर में जाएगा। क्योंकि हमारी एक विशेष रणनीति होती है दोस्तों कि हम हर दिन हमारे कंटेंट को अपडेट करते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम होता है तो हमारा कंटेंट कभी भी वो नहीं होता है जो हम पिछले बैचेस में पढ़ा चुके हैं। हर बैच के अंदर, हर दिन, हर क्लास में हम हमारे कंटेंट को अपडेट करते हैं, पैटर्न को अपडेट करते हैं और लेक्चर्स को अपडेट करते हैं, टेस्ट सीरीज को अपडेट करते हैं। तो जो कुछ आप यहाँ से प्राप्त करोगे हमसे जुड़ करके, वो सब बहुत एक्सीलेंट होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा और फुल्ली अपडेट होगा और एग्जाम पूरे पैरामीटर्स को सेटिस्फाइड करने वाला कंटेंट होगा दोस्तों। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आप इन सारी फैसिलिटीज का एडवांटेज ले लीजिएगा। ये आपकी किस्मत है, ये हम आपको इस तरह से अवेलेबल करवा रहे हैं और जो भी अवेलेबल करवा रहे हैं, जो कुछ भी आपको मिलता है हमारी तरफ से, वो आप सब यूज करिएगा। उससे अगर रियल में अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो हमारी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो उसे आप यूज करिए, वो आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो डेडिकेटेड लेक्चर है, किस पर? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का टेंट मेथड, अंडरस्टैंड गाइस। तो इसमें हम किस टेंट मेथड से, किस प्रकार से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग द ऑक्सीजन टेंट। तो आइए जानते हैं, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पेशेंट है और पेशेंट के जो पेशेंट को कवर करते हुए, पेशेंट की हाफ बॉडी को कवर करते हुए और पेशेंट को एक टेंट के अंदर पॉलीथीन का एक टेंट बना हुआ है। इस टेंट के अंदर पेशेंट को हमने कवर किया हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन, ये जो पूरा चैम्बर हमने बनाया है, टेंट जो हमने बनाया है, ये ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है और इसमें पेशेंट को रखा जाता है। इससे पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ द मेथड इज जस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई यूजिंग द ऑक्सीजन टेंट। और ये आपसे फ्यूचर में एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये जो सेकेंड वाला इमेज है, अब टेंट में और इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के पर्पज से मैंने ये भी इमेज यहाँ पर एड किया है। ये ऑक्सीजन हुड कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन हुड। और ये भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये अगर आप देखते हैं थर्ड मेथड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये जो एक ग्लास का बना हुआ पूरा चैम्बर है और इस तरह के चैम्बर में हम पेशेंट को अंदर रखते हैं। तो इस तरह के चैम्बर में पेशेंट को जब रखा जाता है और इससे पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेट किया जाता है, तो ये जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड आप देख रहे हैं, ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहलाता है फ्रेंड्स। और ये भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफी बेहतरीन हो सकता है। दैट इज हाइपरबैरिक। ये हाइपरबैरिक चैम्बर होता है और इस चैम्बर में रखकर पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहलाता है। अंडरस्टैंड गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, अब शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन यूजिंग द ऑक्सीजन टेंट। तो सबसे पहला पार्ट है डेफिनेशन। तो प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन बाय मीन्स ऑफ अ टेंट यूजिंग फॉर द इन्फेंट which gives maximum comfort and most satisfactory result. So mostly the indicated patient for the oxygen tent, यहाँ से first question हमारा put up हो जाएगा और पहला question होगा दोस्तों, most indicated patients for oxygen administration by using the tent, then you will answer, sir, infants. Infants में mostly comfort को maximize करने के लिए हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए टेंट मेथड को प्रेफर करते हैं। ओके दोस्तों, बात समझ गए हो? डिस्क्रिप्शन देखिएगा, सेकंड पार्ट होता है डिस्क्रिप्शन। एन ऑक्सीजन टेंट कंसिस्ट ऑफ अ कैनोपी। तो एक तरह से जो ऑक्सीजन टेंट होता है वह एक प्रकार का कैनोपी होता है। अंडरस्टैंड? तो हम सेकेंड क्वेश्चन यहां से कर सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड In which of the following method of oxygen administration we need to make a canopy method? So canopy method is also known as the tent method. Over the baby's bed,
that may cover the baby fully and partially. दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है कि जब आप टेंट बनाते हो तो पेशेंट के बेड पर बेबी के बेड पर यानी कि पूरा बेबी का बेड टेंट से कवर किया जाता है. अब इससे हमें पूरा पेशेंट भी कवर करना हो सकता है. आप पूरा पेशेंट कवर करें तो भी आपका मेथड राइट है, और या फिर आप पार्शियली भी पेशेंट को कवर करें तो भी आपका मेथड राइट है. एंड इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. द कैनोपीज आर द ट्रांसपेरेंट एंड इनेबल द नर्सिस टू ऑब्जर्व द सिक बेबी. विशेष जो ध्यान देना है कि कैनोपी किस टाइप का होता है, तो कैनोपी होना चाहिए ट्रांसपेरेंट. जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था दोस्तों कि भाई जो कैनोपी में जिस टेंट के अंदर हमने बेबी को रखा हुआ है, पेशेंट को रखा हुआ है, वो किस टाइप का कैनोपी था. तो वो कैनोपी कैसा होता है? वो कैनोपी होता है दोस्तों ट्रांसपेरेंट कैनोपी, और ट्रांसपेरेंट कैनोपी के अंदर हम पेशेंट को रखते हैं. इसी मेथड को कहते हैं ऑक्सीजन टेंट मेथड. ओके गाइस, अरे भाई बोलो, आर यू अंडरस्टैंड ना? आई होप यू अंडरस्टैंड. यस और नो? अरे भाई बोलो, हाँ या ना, बात समझ रहे हो ना? नमस्ते नमस्ते बेटा, बात समझ रहे हो? अरे भाई बोलो, यस और नो, आर यू अंडरस्टैंड ना? बात समझ में आ रही है? तो ये था ऑक्सीजन का कैनोपी मेथड. आगे बढ़ता हूं बात. इस मेथड के एडवांटेजेस क्या होते हैं दोस्तों? इस प्रोसीजर के केस में हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है एडवांटेज, क्योंकि एक इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, और इसमें का एडवांटेज क्या है, पर्पस क्या है? तो इट प्रोवाइड एन एनवायरमेंट फॉर द पेशेंट विद द कंट्रोल्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल. तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बाय टेंट मेथड से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते समय हमें तीन पैरामीटर्स विशेष यहां पर मेंटेन करने को मिलते हैं. तो सबसे पहला पैरामीटर ऑक्सीजन कंट्रोल्ड कंसंट्रेशन. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज कंट्रोल्ड. सेकेंड, वी कंट्रोल द टेम्परेचर. एंड थर्ड, वी कंट्रोल द ह्यूमिडिटी. तो बी इट अलाउ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द बेड. सबसे खास बात जो होती है गाइस, इसमें हम पेशेंट को या बेबी को मूवमेंट करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं. तो ओनली दिस मेथड इज वन मेथड दैट गिव द फ्रीडम टू द बेबी टू डू द मूवमेंट्स इन द बेड. तो व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस मेथड? जस्ट इट अलाउ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द बेड. Understand guys? और इसीलिए इस मेथड को we prefer for the infants. और इसीलिए इस मेथड को infants के लिए यूज किया जाएगा. Understand? Disadvantage क्या होते हैं इसके, आइए जानते हैं. It creates a feeling of isolation. पहली बात, तो it creates the feeling of isolation. इससे patient को ऐसा लगता है कि एक chamber में मुझे अकेले बंद किया हुआ है. Understand? आइसोलेशन फील होता है. इट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन. इसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन का हाई लेवल प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, लगभग 10 टू 12 लीटर पर मिनट, बिकॉज ऑक्सीजन का लॉस काफी ज्यादा होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि जस्ट व्हेन वी वांट टू एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन बाय यूजिंग द ऑक्सीजन टेंट, which of the following concentration level of oxygen need to provide to the patient. So minimum we need to provide the 10 liter per minute, or it may be up to the 12 liter per minute. That is the major demerit, a disadvantage of this method. Loss of the desired concentration occurs each time the tent is opened to provide care for the infant. दोस्तों बार बार जब टेंट को कोई भी पेशेंट को कोई भी केयर प्रोवाइड करना है, मेडिसिन देना है, या पेशेंट को कोई उसके विजिटर्स मिलने आए हैं, तो बार बार टेंट को ओपन करने से ऑक्सीजन का काफी लॉस होता है, और ऑक्सीजन का लॉस होता है इसलिए जो कंसंट्रेशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रॉपर कंसंट्रेशन इस मेथड से नहीं मिल पाती है.
There is an increased chance of the hazard due to fire. अब देखिए यहां पर यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि फायर हजार्ड के मैक्सिमम चांस ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से मेथड में होंगे, तो आप मुझे एक ही जवाब दोगे कि सर फायर हजार्ड्स के सबसे मैक्सिमम चांस होते हैं कौन से मेथड के अंदर, ऑक्सीजन मेथड, टेंट मेथड के अंदर, क्योंकि इसमें टेंट के अंदर, पूरे टेंट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और इसी वजह से यदि अगर उसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन अगर डिफॉल्ट है तो उसके कारण फायर बर्न होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, फायर हजार्ड्स के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। फायर हजार्ड, इट रिक्वायर द मच टाइम एंड एफर्ट टू क्लीन एंड मेंटेन अ टेंट। अब टेंट एक बहुत बड़ा चैम्बर है, अब उसको स्टेरिलाइज करना है या उसे डिसइंफेक्ट करना है तो काफी टाइम उसके लिए चाहिए, तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी होता है। तो दोस्तों इसके 5 डिमेरिट्स आप जान लीजिएगा, कौन कौन से 5 डिसएडवांटेज हैं। इट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, पेशेंट में आइसोलेशन फीलिंग जनरेट होती है, इसके लिए हाई लेवल चाहिए ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ द डिजायर्ड कंसंट्रेशन, प्रॉपर कंसंट्रेशन जो हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं, इंक्रीज चांसेस ऑफ द फायर हजार्ड, और जस्ट इट रिक्वायर द मच टाइम and much effort to clean and to maintain a tent. I hope you understand the demerits of this method. I hope you understand now. Bolo yaar. Are bhai yes or no? Bolo. Baat samajh gaye na? Are you understand now? Kya aage badha ja sakta hai? रंगलाल सुथार क्या कह रहा है बेटा, प्लीज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑनलाइन क्लास प्लीज। क्या बंद करूं क्या ऑनलाइन क्लास? रंगलाल क्या कह रहा है बेटा, बंद करूं क्या? अरे रंगलाल क्या कह रहा है बेटा, कॉन्ट्रा इंडिकेट करूं क्या? बंद करनी है, बंद करनी, बंद कर देंगे, डोंट वरी, राइट, जैसा आप लोग बोलोगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा चेट के लिए मना कर रहा है क्या? अच्छा चेट, अरे चेट तो यार चेट से तो एंटरटेन होता है, थोड़ा बहुत बोरियत फील नहीं होती है, चेट वेट के चक्कर में क्यों पड़ते हो तुम लोग? चेट वेट करने से, चेट से तो क्या होता है, आपस में एंटरटेनमेंट होता है, तुम सबकी बातचीत हो जाती है, दूर दराज से जो लोग बैठे हुए हैं वो सबका इंटरेक्शन हो जाता है। मेरा मेन पर्पस यही तो, पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को जोड़ना, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, सबको एक साथ लेके चलना है, सबको उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करनी है। तो हम सबका, मेरा पर्पस, और मुझे आइडियल मानते हो तो मेरे जो आदर्श हैं, जो मेरे उद्देश्य हैं इस प्रोफेशन को लेकर, वही आपके उद्देश्य होने चाहिए। तो हम दोनों के समान ही उद्देश्य रहेंगे तभी हम सबको साथ लेके चलेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास। ओके, तो चेटिंग वगैरह से तो क्या होता है, आप सबका इंटरेक्शन हो जाता है और आप सब मिलजुल के रहते हो, आप सबकी बातचीत हो जाती है और थोड़ा एंटरटेन होता रहता है बीच बीच में, राइट? क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये पूरे ही स्टैंडर्ड लेक्चर्स हैं, आर्टिफिशियल टाइप की क्लासें नहीं है जो वूगली पे आप पढ़ते हो, एक भी क्लास आर्टिफिशियल नहीं है, सब जेनाइन क्लास है, हाई क्वालिटी क्लास है। तो सारी क्लासेस जो होती हैं पूरी ही सुपर लेक्चर्स हैं, और सुपर लेक्चर्स आर्टिफिशियल टाइप के नहीं होते हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स है, नॉर्मल इस तरह से होते और टीचिंग इसमें हाई लेवल होता है, राइट? तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई। आर्टिकल क्या क्या चाहिए हमें, तो सब हमें सबसे पहला ऑक्सीजन टेंट चाहिए, ऑक्सीजन सोर्स चाहिए, ह्यूमिडिफायर चाहिए और नो स्मोकिंग साइन चाहिए। नो स्मोकिंग साइन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ 2-3 क्लासेस के अंदर, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। ह्यूमिडिफायर के बारे में भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ह्यूमिडिफायर कैसा होता है और क्या काम आता है, ये उस मेथड, उस फर्स्ट वाले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था ना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बाय नेजल कैनुला। तो नेजल कैनुला के अंदर मैंने ऑक्सीजन सोर्स, ह्यूमिडिफायर और नो स्मोकिंग साइन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था।
ऑक्सीजन टेंट के बारे में मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो हमें ये आर्टिकल्स की आवश्यकता होगी। अब हम जानते हैं प्रोसीजर क्या होगा। तो एक्सप्लेन एंड रीअश्योर द पेशेंट एंड चाइल्ड, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट टेंट। दोस्तों यहाँ खास बात याद रखना, जितना छोटा हो सकता है उतना स्मॉलेस्ट टेंट हमें चूज करना होता है। एंड कैनोपी दैट विल अचीव द डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मेंटेन पेशेंट कंफर्ट। टक द एजेस ऑफ द टेंट अंडर द मैट्रेस, ये मत भूलना आप। जब भी आप ऑक्सीजन टेंट यूज करो तो टेंट के जो एजेस हैं, जो उसकी साइडें हैं, उनको मैट्रेस के नीचे दबाना होता है, टक करना होता है। ओके, वरना एग्जामिनर यहां से आपको नोटिस कर लेगा सिक्योरली। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ द चाइल्ड इज रेस्टलेस एंड कैन डिस्क्लोज द टेंट बाय पुलिंग द कवर लूजेस। अस्टिन, यदि चाइल्ड रेस्टलेस है तो फिर तो ये बहुत ही मस्ट पार्ट होता है। पेयर द मेटल फ्रेम दैट सपोर्ट द कैनोपी, या फिर आप इसको आसपास से मेटल फ्रेम के द्वारा भी कवर कर सकते हो कैनोपी को। ओके, नंबर फिफ्थ, फ्लश ऑक्सीजन। अब आपको पूरा टेंट, जिस तरह से हम आर्टिफिशियल टेंट को एकदम से हवा से भरते हैं, वैसे की वैसे ही हम पूरे टेंट को एकदम हवा ऑक्सीजन से फिल कर देंगे। देन इंक्रीज द फ्लो रेट, इंक्रीज द फ्लो रेट आफ्टर इट हैज बीन ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। अभी भी टेंट को ओपन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको कंसंट्रेशन बढ़ा करके इस पूरे टेंट को फिर से ऑक्सीजन से भरना होगा। ओके दोस्तों, देन रीसेट द फ्लो मीटर टू द ओरिजिनल लेवल। देन फिर उसके बाद वापस से फ्लो मीटर की जो कंसंट्रेशन फ्लो रेट है उसको रीसेट करना होगा। क्लियर। एनालाइज एंड रिकॉर्ड द टेंट एटमॉस्फेयर एवरी 1 to 2 hour। स्पेशली ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि जब कभी भी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टेंट मेथड से दिया जा रहा है तो कितने समय में हमें इस टेंट को एनालाइज करना होता है और रिकॉर्ड द एटमॉस्फेयर। यू नीड टू रिकॉर्ड द एटमॉस्फेयर एंड एनालाइज द एटमॉस्फेयर ऑफ द टेंट इन एवरी 1 to 2 hour। ओके दोस्तों, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 30 to 50% कैन बी अचीव्ड इन वेल मेंटेन्ड टेंट। यदि अगर टेंट पूरी तरह से प्रॉपर अच्छा मेंटेन किया हुआ है, चारों तरफ से कवर भी है और प्रॉपर टेंट है, तो इससे 30 to 40%। अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ क्लेरिफाई करना चाहूंगा, एटमोसफेयर से जो हम एयर लेते हैं, इस एयर में 21% ओनली O2 होता है। अंडरस्टैंड, तो एटमॉस्फेरिक एयर का FiO2 हमेशा FiO2 21 से तो ज्यादा ही होता है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी की O2 डिमांड उस समय बढ़ी हुई है। तो यहां पर मिनिमम हम टेंट के माध्यम से कितना O2 कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं, FiO2 मेंटेन कर सकते हैं, तो मिनिमम 30% और मैक्सिमम 50%। Maintain a tight fitting canopy whenever possible. Provide a nursing care through the sleeves or pocket of the tent. कोशिश ये करें कि ऑक्सीजन टेंट को हमेशा टाइट फिटिंग ही मेंटेन किया जाना चाहिए। ओके दोस्तों, अच्छा ये बताओ मुझे, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक की सारी स्किल टेस्ट की लेक्चर्स पूरी रिवाइज भी कर ली हैं और लर्न भी कर ली हैं, याद भी कर ली हैं। कल मैंने जो होमवर्क दिया था, कौन कौन बच्चे हैं जो वो सारा होमवर्क कंप्लीट करके आए हो, तो अब आ जाइए आप लाइन पे। अब पहले सबकी टेस्टिंग होगी। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कल जो होमवर्क मैंने दिया था कल के लेक्चर में, वो सारा होमवर्क कंप्लीट करके आए हो, याद करके आए हो, जल्दी से बताओ। अब जल्दी से हाथ खड़े कर दो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। कल का दिया हुआ सारा वर्क कोई कोई कंप्लीट करके आया है।
जल्दी करो भाई। अर्चना, विक्रम, अब जिन्होंने नहीं किया है कल का वर्क वो फटाफट से मुर्गे बन जाओ, मुर्गे या मुर्गियां बन जाओ जिन्होंने वर्क नहीं किया है कल का, जल्दी करो फटाफट, टाइम खराब मत करो। फटाफट जिन्होंने वर्क नहीं किया वो फटाफट बेड से उतर के मुर्गे बन जाओ, बाहर निकाल दूंगा वरना क्लास में से। कैसे बनते हैं नेट पे सर्च मारो मुर्गी कैसे बनते हो। नीतू प्रजापति, नेट पे सर्च मारो मुर्गी कैसे बनती है और वैसे की वैसे बन के दिखा, फोटो भेज देना मुझे मुर्गे बन बन के व्हाट्सएप पे, वरना बहुत बुरी पिटाई लगा दूंगा कल, ध्यान रखना आप लोग, समझ गए बात को। मुर्गे बन के पूरे व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना वुगली ऐप पे, और जिसका फोटो नहीं मिला वो बहुत बुरा पिटेगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। कल एबसेंट थी तो ज्यादा पिटेगी फिर तो, सुजाता फिर तो तुझे दो बार मुर्गी बनाना पड़ेगा अगर तू कल एब्सेंट थी तो। फटाफट बन जाओ जिसने काम नहीं किया है, चैटिंग में चेक कर लूंगा मैं कौन कौन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर एट, आठवीं स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, चेक द चाइल्ड्स टेम्परेचर रूटीनली। अब जब कभी भी ऑक्सीजन टेंट मेथड से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन टेंट मेथड से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते समय हमें विशेष ध्यान देना होता है कि रूटीनली क्या ऑब्जर्वेशन करना होगा, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते रहें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट यू नीड टू ऑब्जर्व कंटिन्यूसली। तो फ्रेंड्स हमें कंटिन्यूसली पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते रहना है, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर एक्युमुलेट में रिजल्ट द हाइपोथर्मिया, और इस वजह से ध्यान रखिएगा जब टेंट में पेशेंट को रखा हुआ है तो टेंट में मॉइस्चर कलेक्ट होता है, और मॉइस्चर कलेक्ट होने से पेशेंट की पूरी बॉडी जो होती है दोस्तों वो ठंडी हो जाती है, पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो जाता है, और हाइपोथर्मिया हो जाने की वजह से ही हमें उसको कंटिन्यूसली क्या असेस करते रहना है, उसका टेम्परेचर असेस करते रहना जरूरत होती है। आर यू अंडरस्टैंड गाइस? तो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट नंबर एट। इसके बाद ही आपको नो स्मोकिंग साइन शुड बी पेस्ट ऑन द यूनिट, रिकॉर्ड एंड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन एंड अल्टरेशन ऑफ द फ्लो रेट एंड चाइल्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों स्पेशल नोट, ऑक्सीजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू बेबीज यूजिंग ऑक्सीजन हुड। जो मैंने अभी आपको दिखाया था ऑक्सीजन हुड, उससे भी ऑक्सीजन बेबीज को दिया जा सकता है। ऑक्सीजन हुड इज अ प्लास्टिक डिवाइस विच इज कैप्ट ओवर द हेड ऑफ द इन्फेंट। तो ऑक्सीजन हुड को केवल इन्फेंट के हेड पर रखा जाता है, जबकि टेंट से पार्शियल या पूरी बॉडी कवर होती है। इट परमिट द इजी एक्सेस चाइल्ड विदाउट द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इससे पेशेंट को हम ऑक्सीजन हुड की मदद से इजीली पेशेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें ऑक्सीजन लॉस होने जैसी कोई दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। इट हेल्प इन द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। व्हाइल प्लेसिंग द हुड ओवर द हेड ऑफ द चाइल्ड, द एजेस ऑफ द हुड शुड नॉट रब अगेंस्ट द चाइल्ड्स चिन, नेक एंड शोल्डर। जब कभी भी हुड यूज कर रहे हो आप फेस पर ऑक्सीजन हुड, तब ध्यान रखना कि पेशेंट के एजेस उसके चिन पे या फेस पे कवर टच ना हो रहे हो, जिससे उसको रबिंग ना हो जाए। अंडरस्टैंड गाइस? स्पेशल कंसिडरेशन फर्स्ट, मिस्ट इज प्रेस्क्राइब्ड विद ऑक्सीजन थेरेपी टू लिक्विफाई द सिक्रेशंस। तो दोस्तों सिक्रेशंस को लिक्विफाई करने के लिए साथ के साथ ही मिस्ट प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। ह्यूमिडिफाइड एयर में कंडेंस इनटू द वाटर ड्रॉपलेट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द टेंट।
It is important to examine the child's clothing and bedding and change them as necessary to prevent the chilling. दोस्तों ऑक्सीजन टेंट के अंदर की जो क्लॉथिंग होगी पेशेंट के क्लॉथिंग होंगे वो मॉइस्चर की वजह से धीरे 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 वेट हो जाते हैं और इसीलिए पेशेंट के क्लॉथिंग को और बेडिंग को समय समय पर असेस करके चेंज करते रहना होगा. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज विद इन और नियर द टेंट शुड बी ग्राउंडेड प्रॉपरली. दोस्तों टेंट के आसपास सबसे ज्यादा खास जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को यूज नहीं किया जाना चाहिए वरना कोई ना कोई इसकी वजह से हजार्ड्स होने की इलेक्ट्रिक हजार्ड होने की संभावना काफी ज्यादा होती है. इट इज प्रेफरेबल टू द मॉनिटर SpO2 ऑफ द पेशेंट कंटिन्यूसली. दोस्तों दूसरा विशेष ध्यान रखें कि दोस्तों जब भी ऑक्सीजन टेंट मेथड से दिया जा रहा हो तो पेशेंट का SpO2 कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए. अवॉइड द यूज ऑफ द वॉलेटाइल इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज द ऑयल ग्रीस एल्कोहल इथर एसीटोन नियर द टेंट. तो इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपका मैं स्किल टेस्ट बनाऊंगा वुगली ऐप के अंदर तो वुगली ऐप में एक क्वेश्चन आपको ये वाला मिलने वाला है. अब ये क्वेश्चन कैसे मैं आपसे पूछूंगा क्या लैंग्वेज होगी ये आपको ध्यान देना है. ओके तो अभी रात को ही टेस्ट अपडेट हो जाते हैं इसके बाद जो टेस्ट अपडेट होगा उसमें मैं ये क्वेश्चन आपसे करूंगा कि भाई कौन से ऐसे सोर्सेज हैं या सब्सटेंस हैं दे शुड नीड टू अवॉइड नियर बाय द ऑक्सीजन टेंट. नर्स शुड बी नॉलेजेबल अबाउट द लोकेशन एंड टेक्निक फॉर यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर द बेबी. नर्स को विशेष जब भी ऑक्सीजन टेंट वाला रूम है तो उसमें नर्स को यह भी पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर यहां से कितनी दूरी पर है और कहां है लोकेशन पता हो. अंडरस्टैंड गाइस क्योंकि कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है. फॉर द बेबी इन ऑक्सीजन टेंट टॉयज सेलेक्टेड शुड बी सच दैट दे रिटार्ड द रिजॉर्प्शन are washable and will not produce the static electricity. Example, woolen and soft toys. This ensure the baby's safety. यदि अगर बेबी जो है वो खेलने वाला है और टॉयज से खेलता है तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि एक तो इलेक्ट्रिक टॉयज उसे नहीं दिए जाने चाहिए. ध्यान रखना विशेष कौन से टॉयज ऑक्सीजन टेंट में रखे हुए बेबी को खेलने के लिए नहीं देना है. इलेक्ट्रिक टॉयज नहीं देंगे. दूसरा स्पेशली ध्यान रखें वुलन या स्टफ्ड टॉयज भी नहीं दें. वुलन या स्टफ्ड टॉयज और इलेक्ट्रिक टॉयज वरना फायर तो बहुत ही जल्दी वहां पर हो सकता है. तो ये सब बातें हमें. सो मच फ्रेंड्स लव यू ऑल गुड नाइट टेक केयर स्वीट ड्रीम्स. और अभी इसके बाद जो टेस्ट अपडेट होगा उसमें आप ये क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बने हैं आज की क्लास में से. वेट करना कि आज के लेक्चर में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे वो वुगली ऐप के अंदर आप वुगली स्टार बैच में जा करके और अपने कंटेंट वीडियो टेस्ट वगैरह वो जो कुछ भी अपडेट होता है पर डे डेली का वो आप वहाँ पर देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच लव यू गुड नाइट टेक केयर बाय बाय. दोस्तों थोड़ी सी कुछ बात करना चाहूंगा. अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हॉस्पिटल्स के अंदर जो बच्चे ड्यूटी कर रहे हैं वो घबरा रहे होंगे तो आपको घबराना नहीं है. आप जब कभी भी ड्यूटी पर जाएं जो आप में से ड्यूटी कर रहे हैं अभी तो जो लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं वो अपने आप को PPE इक्विपमेंट से अच्छे से कवर करके ही ड्यूटी पर जाएं कहीं कोरोना का इन्फेक्शन ना लग जाए. जिस हॉस्पिटल में आप ड्यूटी करते हैं उनसे आप कहिए भाई हमें PPE इक्विपमेंट्स अवेलेबल करवाइए. अस्टिन उनसे रिक्वेस्ट करिए. नहीं भी करवाते हैं तो आपकी पर्सनल सेफ्टी आपको खुद को मेंटेन कर लेना है. मास्क ग्लव्स उसके बाद अगर फीमेल्स हैं तो फीमेल्स को तो पूरा स्कार्फ पहनना आता है बहुत अच्छे से तो फेस पूरा स्कार्फ से कवर करें. स्कार्फ से यदि फेस कवर किया हुआ है तो भी काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है. एक ड्यूटी के बाद जैसे ही आप घर आते हो तो घर आने के बाद आपको जो क्लॉथिंग है वो क्लॉथिंग डिटर्जेंट चाहे तो आप बराबर उसमें रहने दो या घंटे दो घंटे तो कम से कम डिटर्जेंट के अंदर रखना ही है.
और घंटे दो घंटे डिटर्जेंट में रखने के बाद हैंड टू हैंड वॉश नहीं करना है, पहले दो तीन घंटे के लिए डिटर्जेंट में डाल करके छोड़ दें, फिर आप चाहें तो अर्ली मॉर्निंग में वॉश करें या फिर आप तीन घंटे दो घंटे बाद में वॉश करें। एक बार क्लॉथ जो यूज कर लिए हैं आपने वो वापस से वॉश होने के बाद ही यूज करना है, रीयूज नहीं करना है प्रेजेंट टाइम पर। और स्पेशली लोगों के लिए